बायोलॉजिकल मेथड्स। आज हम बायोलॉजिकल मेथड को मलेरिया की एग्जांपल के ज़रिए स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। यह उन इकदामात पर मुश्तमिल होता है जो एक बायोलॉजिस्ट एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए उठाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दूसरी साइंसेस की तरह बायोलॉजी में भी मज़ीद इल्म और अदादोशुमार इकट्ठे होने के साथ साथ नई अशिया डिस्कवर की जा रही हैं और पुराने नज़रियात में या तो चेंजेस की जा रही हैं या इन्हें बेहतर नज़रियात से बदला जा रहा है। ये सारा काम उस वक्त होता है जब बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट मंदरजा झैल स्टेप से गुजरता है। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, ऑब्जर्वेशंस या मुशाहदात करना, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन या हाइपोथेसिस तश्कील देना, डिडक्शंस बनाना, एक्सपेरिमेंटेशन या तजुर्बात करना, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स या नतायज का खुलासा करना और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट उस वक्त बायोलॉजिकल मेथड को इख्तियार करते हैं जब इन्हें किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद जानदारों से मुतालिक ऐसा सवाल है जो या तो शख्स या इदारा बायोलॉजिस्ट से पूछता है या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आता है। ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट अपने पुराने मुशाहदात को दोहराते हैं या नए बनाते हैं। ऑब्जर्वेशंस के लिए देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की 5 सेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं। हम जानते हैं कि मलेरिया पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में आम बीमारी है। हम बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स को तफसील से बयान करने के लिए मलेरिया को मिसाल के तौर पर लेंगे। हम तारीख के पहलू से देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ अदवार में तिबी माहरीन मलेरिया को किस तरह देखते थे। ऑब्जर्वेशन 1। 2000 साल पहले इन एंशियंट टाइम तिबी माहरीन के मुताबिक मलेरिया के फैलने की वजह लो लिविंग स्टैंडर्ड्स और मार्शी एरियाज थी, यानी मार्शी एरियाज में खड़ा पानी हवा को जहरीला कर देता है और जब लोग इस गंदी हवा में सांस लेते हैं तो मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन 2। ऑब्जर्वेशंस की मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ लोगों ने मार्शिस का खड़ा पानी पिया लेकिन वो मलेरिया में मुबतला नहीं हुए। ऑब्जर्वेशन 3। 17 से 20वीं सदी तक क्विनाइन का पौधा मलेरिया का वाहिद जरिया इलाज था। 8 में एक फ्रेंच आर्मी के तिबी माहिर जिसका नाम लिवरॉन था ने मलेरिया की वजह को तलाश करना शुरू किया। उसने मलेरिया में मुबतला एक पेशेंट के खून का नमूना लिया और उसका माइक्रोस्कोप के जरिए मुशाहिदा किया। उसने देखा कि उसके खून में कुछ छोटे जिंदा जानदार मौजूद थे। लिवरॉन की दरियाफ्त को दूसरे साइंसदानों ने रद्द कर दिया। 2 साल बाद इसी किस्म के जानदार किसी दूसरे पेशेंट में भी पाए गए और 3 साल बाद भी इसी किस्म के जानदारों का मुशाहिदा किया गया। इन जानदारों को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट अपने और दूसरों के मुशाहिदात को अदादोशुमार यानी डेटा की सूरत में तरतीब देते हैं और एक ऐसा बयान बनाते हैं जो ज़ेरे इल्म बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब या सॉल्यूशन साबित हो सकता हो। मुशाहिदात की यह तहकीक तलब वजाहत हाइपोथेसिस कहलाती है। इस केस में हाइपोथेसिस ये थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है। डिडक्शंस। हाइपोथेसिस को दुरुस्त माना जाता है और डिडक्शंस को हाइपोथेसिस के लॉजिकल नतायज कहा जाता है। इस मकसद के लिए एक हाइपोथेसिस और उससे मुतवक्का नतायज अक्स किए जाते हैं। ये मुतवक्का नतायज डिडक्शंस कहलाते हैं।
इस केस में डिडक्शंस ये थी कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है तो तमाम अफराद जो मलेरिया में मुब्तला हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजिकल मेथड का सबसे अहम कदम तो जो बात करना है, हाइपोथेसिस से अक्स की गई डिडक्शंस को टेस्ट से गुजारा जाता है और उससे बायोलॉजिस्ट मालूम करते हैं कि कौन से हाइपोथेसिस दुरुस्त हैं। गलत हाइपोथेसिस रद्द कर दिए जाते हैं जबकि दुरुस्त साबित होने वाले हाइपोथेसिस को कबूल कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर मलेरिया में मुबतला 100 अफराद के ब्लड को माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया, इसी तरह 100 सेहतमंद लोगों के खून को भी माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया। एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने साबित किया कि तमाम मलेरिया के मरीजों के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, लिहाजा रिजल्ट्स ने साबित किया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का सबब है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये थी कि प्लाज्मोडियम किस तरह इंसान के खून में आता है। बायोलॉजिस्ट के पास मंदरजा ज़ैल मुशाहदात थे। नंबर 1, मलेरिया का ताल्लुक मार्शिस के साथ है। नंबर 2, मार्शिस का पानी पीना मलेरिया का सबब नहीं। इन मुशाहदात से ये अक्स किया जा सकता है कि प्लाज्मोडियम मार्शिस के पानी में मौजूद नहीं होता, लेकिन ये किसी कैरियर के जरिए मार्श वाटर से आता है। 1883 में एक फिजिशियन AFA किंग ने कुछ अहम मुशाहदात बताए जो ये थे कि वो लोग जो बाहर सोते हैं मलेरिया में जल्द मुबतला हो जाते हैं उन लोगों की निस्बत जो अंदर सोते हैं। इसी तरह वो अफराद जो आग के पास सोते हैं मलेरिया में मुबतला नहीं होते। इन मुशाहदात की बुनियाद पर किंग ने यह हाइपोथेसिस बताया कि मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं और मलेरिया के फैलाव का सबब बनते हैं। हाइपोथेसिस को मद्देनजर रखते हुए जो डिडक्शन बनाई गई वो दुरुस्त थी और ये थी कि अगर मच्छर मलेरिया के फैलाव का सबब हैं तो प्लाज्मोडियम मच्छरों में मौजूद होना चाहिए और मच्छर जब मलेरिया में मुबतला मरीज को काटता है तो उसमें प्लाज्मोडियम मुंतकिल हो जाता है। डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए रोनल्ड रॉस जो एक आर्मी फिजिशियन था, इसने 1880 में इंडिया में बहुत से अहम तजुर्बात किए। इसने मलेरिया में मुबतला मरीज को एक मादा एनोफिल्स मच्छर से कटवाया। कुछ दिन बाद उसने इस मच्छर को मार दिया और उसने देखा कि मच्छर के मैदे में प्लाज्मोडियम की तादाद बराबर बढ़ रही थी। रिजल्ट्स आखिर में हाइपोथेसिस को डायरेक्ट इंसानों पर तजुर्बात के जरिए टेस्ट किया गया। 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने मलेरिया के मरीज को मादा एनोफिल्स मच्छर से कटवाया और उस मच्छर को कुछ दिनों के लिए रख दिया और फिर उस मच्छर से एक सेहतमंद इंसान को कटवाया। कुछ दिनों के बाद वो सेहतमंद इंसान भी मलेरिया में मुबतला हो गया। इससे ये साबित हुआ कि मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं और मलेरिया के फैलाव का सबब है।